नमस्कार, आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज मंचा सिंह जो हैं वो देश के जाने माने कवि हैं और इनके परिचय आप सब भली बात परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं तारुफ इसलिए कराऊंगा क्योंकि ये बुरा ना मान जाए। हमारे साथ सुदीप भोला जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रताप फौजदार साहब मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, शौर्य और ऊर्जा के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हेमंत पांडे जी अपने चुटीले अंदाज के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच। बगैर परिचय ज़्यादा आगे कुछ नहीं, बस इतना ही है कि ये 75 साल बेमिसाल रहे हैं। और भोला जी, आज आपको उस बेमिसाल 75 साल का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसी के साथ हम सबको जोड़ना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। और मुझे खुशी है कि ये बेमिसाल 75 साल हम उनके साथ मना रहे हैं, आप जैसे हमारे सेनानियों के साथ मना रहे हैं। आज़ादी के परवाने अगर आज़ादी लेकर के आए तो उस आज़ादी की रक्षा करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। मैं एक पुराना गीत है उसकी पैरोडी से शुरू करता हूँ। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातिर, अरे भारत माँ की आन की खातिर अपनी दे गए जवानियां। आओ मैं सुनाऊं किस किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। पहला स्वतंत्रता संग्राम सुनिए, कि झांसी की रानी रानी थी वो मर्दानी, झांसी की रानी रानी थी वो मर्दानी, ऐसे तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी, ऐसे तेवर तूफानी जैसे रण में भवानी, मर्दानी मर्दानी। और जिसके आगे काफिया देखना, जिसके आगे मांग गया था पानी बरतानियां। किस किस को बताऊं और कैसे मैं गिनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, भाई सुदीप भाई क्या हो, कुर्बानियां। और सुनिएगा, मैं अपने गुरु को सौंपता हूं, मेरे प्रताप जी गुरु हैं, आपको सौंपता हूं अगला स्वागत। के वीरों के टोले, अरे वीरों के टोले पहने बासंती चोले, वीरों के टोले पहने बासंती चोले, भर के आंखों में शोले चढ़कर फांसी पर बोले, मैं भर के शोले चढ़कर फांसी पर बोले, क्या बोले क्या बोले, अरे आजादी के बाद सुनाना हमारी कहानी। कितनी गुनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। भारत माँ की आन की खातिर अपनी दे गए जवानियां, किस की बताऊं और कितनी गिनाऊं तुमको वीरों। और सुनिएगा, अंत करता हूं, कि हंटर भी खाए और गोली भी खाई, हंटर भी खाए और गोली भी खाई, मुश्किल थी वो लड़ाई लड़कर आजादी पाई, मुश्किल वो लड़ाई लड़कर आजादी पाई, मेरे भाई। अरे आजादी के दीवानों की, अरे आजादी के दीवानों की बड़ी मेहरबानियां, सुनाऊं तुमको वीरों की कुर्बानियां, वीरों की कुर्बानियां। अरे भारत माँ की
आन की खातिर बहुत अच्छे अपनी दे गए जवानियां। बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह वाह आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ग्रेट 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 बोला जी बहुत बहुत आपने जो आगाज किया है वो बहुत ही जबरदस्त था। तो अब आप किसकी तरफ मुखातिब होंगे? अब कोई और शुरू होगा, चेले के बाद गुरु होगा। फालतू का शुरू होगा। सर मैं तो मस्ती में रहता हूँ और आप भी मस्ती ग्रहण करना। हालांकि मैं चाहूंगा कि बंसल साहब थोड़े हंसे मुस्कुराए, हालांकि खतरे में बैठे हैं बेचारे। लेकिन सर मैं आपको, दरअसल क्या है सर, आजकल हो क्या रहा है जी, लोग परिवर्तन हो जाता है लेकिन समझते नहीं है। बॉर्डर पे सैनिक खड़े हुए हैं, उधर पाकिस्तानी सैनिक खड़ा है, इधर इंडियन सैनिक खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से एक मुर्गी भगी हुई आई, उसने बॉर्डर पर अंडा दे दिया, अंडा इंडिया की ओर गिर गया। पाकिस्तानी बोला मुर्गी हमारी है, अंडा हमारा है, हमें दो। इंडियन ने कहा कि बेटे अब धारा 370 हट गई है, अपनी मुर्गी को समझा कर अब इधर अंडा ना दिया करे। बोला नहीं मुर्गी हमारी, अंडा हमारा, हमें दो। इंडियन ने मना कर दिया। तो वो शर्त लगी कि जो 5 लात झेल जाएगा गिरेगा नहीं, अंडा उसको मिलेगा। इंडियन बोला पक्की, पहले मैं मारूंगा। मारी लात, लड़खड़ाया पाकिस्तानी सर, लेकिन गिरा नहीं वो। फिर दूसरी तीसरी चौथी 5 झेल गया। पाकिस्तानी मुड़ के बोला अब लात मैं मारूंगा। इंडियन बोला रुक जा, झगड़ा काहे का है? बोले अंडे का, तो ले पकड़ अंडा। बहुत सीधा सीधा असली सर। तो उनकी बातचीत हो रही है दोनों सैनिकों की। ये पहला ऐसा मामला था कि आमलेट पहले बनाओ अंडा बाद में दिया। हाँ तू तो मुर्गी को भी हिलने लगा सकता है। पाकिस्तानी सैनिक इंडियन सैनिक से कह रहा है, सुने सर, कि गोल्ड मेडल भारत को फेंकने में, भाला फेंकने में मिला तुम्हें, गोल्ड मेडल भाला फेंकने में मिला तुम्हें, चूकते तो आंखों को भिगो रहे होते तुम, चूकते तो आंखों को भिगो रहे होते तुम, और किस्मत से जीत गए वरना तो रो रो के आंसुओं से अपना मुंह धो रहे होते तुम। ये पाकिस्तानी सैनिक है। तो इंडियन सैनिक का जवाब सुने और मस्ती लें कि सुन भाई मेहनत से जीते हैं भारतीय, सुन भाई मेहनत से जीते हैं भारतीय, ये जलन नहीं होती न रो रहे होते तुम। कब? ये जलन नहीं होती न रो रहे हो।